वैकेंसी दो, रिजर्वेशन के जितने वैरायटी, और इसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करने में 30 मिनट लगा, 30 से 45 मिनट लगा। इसी चीज को अगर हम अब टीआरई में लागू करने की बात अगर करें, क्योंकि मैनुअली तो खैर करना इस जन्म में तो नहीं संभव होगा किसी के लिए, लेकिन आप कंप्यूटर से भी अगर इसको, इसी चीज को, आंकड़े को अगर देखेंगे, तो जहां 2000 की वैकेंसी थी, कैंडिडेट्स थे, वहां 6 लाख से अधिक कैंडिडेट्स हुए। जहां 800 की वैकेंसी थी, वहां 1.2 लाख की वैकेंसी हो गई। जहां रिजर्वेशन का तो खैर दोनों में 16-16 है, जॉब ऑप्शंस में वहां पर 29 या 30 जॉब ऑप्शंस थे, यहां पर 5 लेवल्स हैं। 5 लेवल इसलिए हैं कि 1 से लेकर के 12 तक में 4 लेवल प्लस हेडमास्टर का 1 लेवल और आ गया, 5 लेवल। लेकिन यहाँ पर जॉब ऑप्शंस कम होने के बावजूद, क्योंकि इसको कहते हैं साइंस में, अगर मैथमेटिक्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सिविल सर्विसेज में जो थे वो सिर्फ एक था, जॉब का खाली करना। यहाँ पर जॉब्स के साथ साथ आपको ऑप्शंस देना है डिपार्टमेंट का, आपको ऑप्शंस देना है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये स्टेट वाइज शिक्षा विभाग की जो भी जो वैकेंसीज है उसका काडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये डिग्री ऑफ जो फ्रीडम जो हुआ सिविल सर्विसेज के मामले में, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम मान के चल सकते हैं, जॉब का खाली उसमें देखना होता है, इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं, वो अगर मैथमेटिक्स के जो लोग जानकार होंगे तो जानेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई लीनियर स्केलिंग नहीं होता है, वो एक्स टू द पावर वाई हो जाता है। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि शायद इसमें वर्षों लग जाएगा इसको, इसको इसकी प्रोसेसिंग करते करते हम करेंगे। अगर हम सारे डिग्री ऑफ ऑप्शंस को अगर हम उसको दें, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो खैर एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये सारे डिग्रीज ऑफ ऑप्शंस अगर हम देंगे तो आज हमारे पास में पूरे दुनिया में भी जो कंप्यूटेशन फास्टेस्ट कंप्यूटर को भी लगाया जाएगा तो भी इसमें मेनी फोल्ड टाइम लगेगा, जो कि व्यवहारिक, किसी भी हालत से व्यवहारिक नहीं होगा। तो हमारे पास दो ही समाधान है इसका, या तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करें, मतलब कि हम उनको ऑप्शंस कम दें, हम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शंस ना दें, डिपार्टमेंट का ऑप्शंस ना दें, सीधा सीधी हम उसको सिर्फ लेवल का ऑप्शन दे करके हम निकाल दें, जब तब ये शायद कुछ संभव हो सकता है। लेकिन जैसा कि पिछले बार भी पीसी में काफ़ी लोगों में से ने कहा था, और मैंने देखा भी बाद में, कि कई कैंडिडेट्स जो TRE 1 में सिलेक्शन उनका हो चुका है, वो TRE 2 में सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम दे रहे हैं क्योंकि उनको जिला गलत मिल गया या अपने पसंद का जिला नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था, जो ऑप्शन जो था जिला का, इसको हम नकार नहीं सकते, हमको उसको देना ही देना है। और वो अपना मेजोरियस कैंडिडेट अपना, उसके पास अगर हम ऑप्शन डिनाई करते हैं इसलिए कि उससे कम मेरिट वाले लोगों को हम बेनिफिट दें, तो ये उनके लिए अन्याय होगा। इसलिए इसका सबसे, और मल्टीपल रिजल्ट देने के बाद वो अपना विवेक अपना इस्तेमाल करे, अपना इंडिविजुअल, और जब उसके बाद जब जो सीट बचता है वो सीट अपने संबंधित विभाग अपने नीति के अनुरूप वो अगर आयोग को अगर देती है तो आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा, अगर आयोग को नहीं देती है तो नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये चीज कैंडिडेट्स पर और संबंधित विभाग के ऊपर होगा, निर्भर करेगा कि उसको किस तरीके से लिया जाए। जहाँ तक हमारे आयोग की बात है, आयोग कभी भी मेरिट के दरकिनार करते हुए कम मेरिट वाले के बेनिफिट में कोई निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए हम तो अगर हमें अगर देना है ये ऑप्शंस, तो हम अधिक मेरिट वाले का हम कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम नहीं करेंगे, उनके किसी भी ऑप्शंस में हम कटौती नहीं करेंगे, और हम मल्टीपल रिजल्ट्स देंगे ही, और ये हमारी मजबूरी है, हमको देना ही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स उसकी भरपाई होगी या नहीं होगी ये संबंधित विभाग के निर्णय पर होगा, और कैंडिडेट्स कौन से पद को खाली करेंगे, कौन से पद को नहीं खाली करेंगे, वो संबंधित कैंडिडेट्स के ऊपर निर्भर करेगा। एक और जानकारी दे दूं वैसे भी कि मेन रिजल्ट तो लोगों का अधिकार है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगना अधिकार नहीं है।
और हर सरकार में वेटिंग लिस्ट का तो खैर कोई प्रावधान ही नहीं है। वैसे वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है, लोगों को ये बात भूल जाते हैं। जब तक जॉब ऑफर नहीं दिया गया तब तक हमारे पास ही अधिकार है कि हम उसको परिवर्तित कर सकें, हम देख सकें कि नया लिस्ट बना सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हुआ। एक बार जब जॉब ऑफर जब किसी को दे दिया गया तो वो चाहे ज्वाइन करे या न करे, वो पोस्ट कंज्यूम हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि अब वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। वो अब आपके हाथ में नहीं रहा, वो कैंडिडेट के हाथ में चला गया। और इसी में जो वेटिंग लिस्ट बनता है वो वेटिंग लिस्ट का सरकार प्रावधान नहीं है। इसलिए यहाँ तक हम लोगों ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया कि इसमें मल्टीपल रिजल्ट्स दिया ही जाएगा, वो हमारी मजबूरी है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा ये संबंधित विभाग के निर्णय पर डिपेंड करेगा। और हम लोग 90 रिजल्ट्स जो बनाना है हमें, ये हम अपनी सारी प्रक्रिया का पालन करके ही बनाएंगे। अभी हमारे कई ऐसे पेपर्स हैं जिसका कि फाइनल आंसर भी नहीं आया है। आप जानते होंगे कि हमारा आयोग काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और इसने अपनी SOP बना रखा है आंसर की के बारे में, कि हम फर्स्ट प्रोविजनल निकालते हैं, सेकंड प्रोविजनल निकालते हैं, और दोनों स्तर पर हम ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करते जाते हैं, और उस प्रोसेसिंग के बाद जब फाइनल आंसर की तैयार हो जाता है उसके बाद ही हम रिजल्ट निकालते हैं। तो हम लोगों ने आज आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया कि हमारे कई मामले के हमारे होमवर्क तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उसके पहले का हमारा बाकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से देखते हैं, हम कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब हम जो लिस्टिंग करते हैं कैंडिडेट्स को भी, जो हम लोगों ने अभी ऑप्शंस दे रखा था, खास करके आपने देखा होगा कि SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के मामले में चूँकि वैकेंसी उसकी बाद में आई थी, इसलिए हम लोगों ने उसको समेकित करके ही किया था, शिक्षा विभाग के साथ उसकी वैकेंसी को जोड़ के किया था, और बाद में हम लोगों ने उनसे ऑप्शन मांगा। जैसे आप जिला का ऑप्शन देते हैं, वैसे 38 जिला के साथ साथ 39वें स्थान पर इसको भी रखते हुए आपको ऑप्शन दिया गया था। अगर आप ऑप्शन दें सो फार सो गुड, ऑप्शन नहीं भी देते हैं तो भी हम आपको कंसिडर करके करेंगे ही करेंगे, लेकिन तब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर या उस सूची के क्रम में हम उसको अलॉट करेंगे। लेकिन हम लोग का फर्ज था कि हम लोग विकल्प उसको दे दें, बता दें कि अगर आप चाहते हैं तो SC ST डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो ऑप्शन किया था, उसका भी डेडलाइन ख़त्म हो चुका है, वो भी हमारे पास आ गए। तो ये सारे तथ्य जो हमारे पास आते हैं, इन आंकड़ों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, उसमें देखते हैं, और उसके हिसाब से जो हम अपना लिस्टिंग बनाते हैं, जो अपना होमवर्क करते हैं जिसको कहा जाए, वो हम कर चुके हैं। जो हमारा OMR की जो स्कैनिंग होती है जिसके बेसिस पर हम लोग रिजल्ट बनाएंगे, वो हमारा हो चुका है। आंसर की हमारा अभी सभी सब पेपर्स का भी फाइनल नहीं हुआ, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, और बिना आंसर की के हम रिजल्ट नहीं देंगे। अब हमारे पास जैसे जैसे आंसर की कंप्लीट होता जा रहा है, जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर से, जैसे मैंने बताया कि हम लोग सभी काम को करने के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है, इसलिए हम लोग जैसे जैसे आते जाएगा, आंसर की फाइनल होता जाएगा, हम उसका रिजल्ट देते जाएंगे। और रिजल्ट देने की यह प्रक्रिया जो है आज से ही प्रारंभ हो जाएगी। तो 25 के लिए वेट नहीं करने की जरूरत है, रिजल्ट की यह प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन आप बात समझ सकते हैं कि हमारी प्रथम परीक्षा जो हुई थी वो 7 तारीख को हुई थी जी। और अब 7 तारीख को हुई थी, शाम से ऐसे भी समय जी। अब इतना फाइन ट्यूनिंग तो आप करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी। आज मैं तो 12 बजे पहले नहीं होगा सर, ऑब्वियसली नेचुरल ऑब्वियसली शुरू हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंत हो जाए,
आज से शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तो आप देखें कि अंतिम परीक्षा जो हमारी हुई है वो तो 18 तारीख को ही हुई, तो अंतिम परीक्षा 18 तारीख को ही है, तो 22 तारीख को आप हमारा आंसर की का SOP तो कंप्लीट नहीं होता है, हमें फर्स्ट प्रोविजनल अभी दिए हैं, सेकंड प्रोविजनल देंगे, उसके बाद तो फाइनल देंगे आंसर। तो इसलिए उसमें ये एक सिलसिला आज से स्टार्ट हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम होगा, क्योंकि 3 विभाग इसमें सम्मिलित हैं, हम लोगों की आपस में उनके साथ बैठक हो चुका है, और उस बैठक के हिसाब से मुख्य मुख्य भूमिका इसमें शिक्षा विभाग की है, और उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, उनकी वैकेंसीज भी ज़्यादा है, और बाकी दोनों विभाग जो हैं वो उनके साथ जुट करके उसको काम करेंगे, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम शिक्षा विभाग और संबंधित अन्य दोनों विभाग उसमें आपको देंगे। हमारी ओर से इनको चरणबद्ध तरीके से एक एक करके हम अपना रिजल्ट देते जाएंगे, और जैसे पिछले बार की भांति ही इस बार भी होगा, और आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने एक विस्तृत अनुदेश निकाला है, इसमें कि हम सभी अभ्यर्थी को पिछले बार की तरह ही इस बार भी वो अपना डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे, और जिसमें कि वाटर मार्क होगा, और उसके बाद ही ले जा करके वहाँ देंगे। इस बार हम लोगों ने नए डॉक्यूमेंट को ऐसे ही अपलोड करने की कोई प्रावधान नहीं किया है। अगर कोई कैंडिडेट, सफल कैंडिडेट अगर जाता है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग में, और अगर संबंधित विभाग को लगता है कि हाँ इससे ये अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लिए बिना इसकी पात्रता नहीं बनती है, तो वो अतिरिक्त तब वो डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि हाँ इसको ओपन किया जाए हमारे पोर्टल पर, तब वो हमारे ये विवेकाधिकार जो है ये हम लोगों ने डिपार्टमेंट के पास में दिया हुआ है, हम कैंडिडेट्स को इस बार वो छूट नहीं दे रहे हैं, और आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों नहीं छूट दे रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले बार हम लोगों ने कई तरह के छूट दिया था, जो कि इसमें इस बार हम लोगों ने अपनी किया है, और उसके सार्थक परिणाम भी निकले हैं। इस बार आप देखेंगे कि अगर 15 दिन के अंदर में अगर हम लोग फर्स्ट रिजल्ट देने की स्थिति में आ भी गए, तो इसमें इस कारण से भी है कि अभ्यर्थी लोग इस बार गलती नहीं किए हैं, बहुत कम किए हैं, रोल नंबर की गलती जो इस बार जो हुआ है वो काफ़ी कम है, पिछले बार इसी सब चीज़ों के कारण से लोगों को बहुत हम लोगों को भी टाइम लग रहा था। तो मैं समझता हूँ कि साफ सुथरे परीक्षा दिया और साफ सुथरे तरीके से हम लोग रिजल्ट देंगे और सही समय पर देंगे, और आपकी आशा से बढ़ करके हम आपकी उम्मीदों से बढ़ करके हम लोगों ने पास तरीके से दिया है। पिछले बार हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया था, इस बार फिर से कीर्तिमान स्थापित कर दिया, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पेपर लीक और पेपर वायरल BPSC के लिए वो अब इतिहास हो गया है। कुछ 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 सर एक दो रिजल्ट तैयार हो गया, तो परसेंटेज कुछ बता दीजिए, कौन सा रिजल्ट जारी कर स्टेटमेंट का? जैसा मैंने बताया कि अभी कोई भी रिजल्ट बना नहीं है, हमारा होमवर्क तैयार हुआ है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं बना, इसलिए कोई भी आंकड़े अभी हम उसमें बताने की स्थिति में नहीं है, हम बताने की स्थिति में नहीं है। आज शाम में या रात में जब भी वो रिजल्ट निकलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अभी जो रिजल्ट जो निकलने का विषय कौन कौन सा होगा, कौन कौन से पद का होगा वो, और कुछ और अन्य आंकड़े जो हमारे हैं इसमें वो डिटेल में मैं शर्मा जी को कहूँगा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर की वो बताएं, डिटेल्स बताएं, और सचिव साहब सप्लीमेंट कर दें। चेयरमैन सर ने तो बहुत डिटेल में टोटल वैकेंसी आप ले लीजिएगा, और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहें, इस जो परीक्षा हुआ के आयोग के कर्मी और पदाधिकारी दिन रात काम किए हैं और कोशिश किए हैं कि एरर फ्री हो, एरर फ्री रहने का है, और निर्विवाद निर्विवाद सर ने बताया कि क्वेश्चन वगैरह नहीं भरेगा, लेकिन
इसमें सर का डायरेक्शन और करियूं हमारे पदाधिकारी और कंट्रोलर साहब और पदाधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग जो अभी नया सिस्टम है बायोमेट्रिक मिसपैच जो हम इसमें एक दो चीज़ ऐड कर देते हैं कि जो रिजल्ट जो निकलेगा हेडमास्टर में दो विभाग है और ईबीसी बीसी वेलफेयर और एससी वेलफेयर इन इसका रिजल्ट निकल जाएगा। संगीत कला में भी दो डिपार्टमेंट का है बीसी ईबीसी का 6-8 का है और एससी वेलफेयर का 6-10 का है, इसका भी रिजल्ट निकल जाएगा। और फिर उसका क्लास 6-8 जो है वो उसमें मैथ्स एंड साइंस एक पेपर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये आज निकल जाना चाहिए। सर सोशल साइंस आज नहीं है, इतना आज निकलने की संभावना है और जैसा मैंने बताया शुरू हो जाएगा और आप लोग और ये चले आंसर की का सबसे अंत में कंप्लीट होगा। तो इसलिए आप लोग को लगातार लेकिन मिलना शुरू हो जाएगा, इसलिए अनुरोध है कि अब कट ऑफ का जो 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 अनावश्यक जो चर्चा है 26 से डीवी स्टार्ट होगा। डीवी का मैं कोई डेडलाइन नहीं दूंगा क्योंकि डीवी का कार्यक्रम तो मैं नहीं करूंगा, वो तो मैंने बताया कि संबंधित विभाग अपना करेंगे। स्वाभाविक है कि हम उसके बाद ही मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग हम कंप्यूटर से ही करते हैं इसलिए टाइम नहीं लगता है, लेकिन देखिए फिर मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि रिजल्ट बना नहीं है, वो जो प्रावधान थे उसका उल्लेख किया गया और वो इसलिए उल्लेख किया गया है क्योंकि तैयारी वन में कई शिकायत आई थी, करीब 498 शिकायतें ऐसी थीं जिसमें उस कैंडिडेट का कहना था और उसका कहना सही भी था कि उसे उस कैटेगरी के मतलब जनरल कैटेगरी के यूआर कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर था और फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जैसे 39 था और उस कैंडिडेट को जैसे 43 नंबर आया है और वो यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट है, फिर भी कैंडिडेट्स थे वो जनरल कैटेगरी में भी बुक हो गए। तो जो लास्ट कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में यूआर कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट है वो वास्तव में रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसका नंबर 39 उसके लिए क्वालिफाइंग उसका मार्क्स है, उसका वही मार्क्स है इसलिए वो उसका कट ऑफ हो गया। लेकिन जो 43 नंबर ला करके जो छट गया वो कैंडिडेट वास्तव में यूआर कैटेगरी का ही है और यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है 48 मार्क्स है, इसलिए वो 43 नंबर ला करके वो लिस्ट छट गया। अब ये हमारी व्यवस्था ऐसी है, अब इस व्यवस्था की का ज्ञान नहीं होने के कारण से या कंफ्यूजन होने के कारण से 498 लोगों ने एफिडेविट करके पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज किया। ये शिकायत उन्होंने जो दर्ज किया ये शिकायत उनका बेबुनियाद था, गलत था, लेकिन हम लोग इसको सहानुभूति पूर्वक यह मानते हुए कि किसी को भी ये बात अगर समझ में नहीं अगर आएगा तो प्राइमा फेसी लगेगा कि गलती हो रहा है, हमारा तो होना चाहिए था, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको खाली चेतावनी दे करके छोड़ दिया और इसीलिए हम लोगों ने TRE2 में इसको पहले ही इसको स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी का
क्वालिफाइंग कट ऑफ से कम अगर नंबर है तब तो ऐसे ही लिस्ट से बाहर है, उसके लिए फिर सोचना नहीं है, उसमें तो पहले ही बाहर हो गया वो तो। इसलिए कट ऑफ कैटेगरी में कट ऑफ कम हो सकता है, लेकिन अगर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अगर उसका कम है तो ऐसे ही बाहर हो गया। सर एक सवाल ये है कि पटना वाले बाहर गए थे, बोल रहे थे उनको चाहिए कि फिर से एग्जाम देना, दे ही रहा के लिए, बंगला के लिए अलग अलग टीचर्स की वैकेंसी करेगा, वो बंगला में भी वही चीज पढ़ाएगा जो हिंदी में, जो पढ़ाएगा जो उर्दू में पढ़ाएगा। लेकिन ये कहना कि मैथ्स का जो पढ़ाई करेगा जो हायर क्लासेस में वो उर्दू में पढ़ाएगा कि बंगला में पढ़ाएगा, क्योंकि हायर क्लासेस में मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो माध्यम जो है वो हिंदी ही है, इसलिए तैयारी वन में भी वो अन्य क्लास के लिए उसको हिंदी में ही परीक्षा देनी थी, क्योंकि परीक्षा एक साथ हुआ वो पेपर तैयारी वन में चूंकि एक साथ हुआ और उसमें ओएमआर में उसका ऑप्शन दिया जा गया, इसलिए जो लोग अपने जो भी समझ के हिसाब से किसी ने हिंदी में कर दिया, किसी ने उर्दू में कर दिया, किसी ने बंगला में कर दिया हायर क्लासेस में भी, और यही चीज तैयारी टू में भी इसका रिपीट हो गया, सिलेबस में वो रिपीट हो गया। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो लैंग्वेज का जो पेपर है, अब कोई साइंस का ग्रेजुएट या कोई हिस्ट्री का कोई टीचर बनेगा अगर, तो जिस तरह के जो प्रश्न थे हिंदी के, वो गैर हिंदी को तो छोड़ दीजिए, वो तो हिंदी भाषी के लिए भी, अगर मैं साइंस का जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा उतने ग्रामर शायद मुझे भी शायद नहीं जानकारी हो, ये किसी के लिए भी एक कठिनाई वाली स्थिति थी कि ये एक अच्छे मेरिटोरियस कैंडिडेट भी इस भाषा उसके लिए कठिन हो जा रहा था, जब हिंदी भाषी के लिए जब ये कठिन हो जा रहा था तो गैर हिंदी भाषी वालों के लिए तो सोच लीजिए कि और क्या होगा। तो हमें हम लोगों ने ये विचार किया कि इसको इस तरह के देखने से क्या होगा कि कई मेरिटोरियस कैंडिडेट जो अदरवाइज अपने विषय के में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएंगे वो भाषा में इस कारण से वो छंट जाएंगे क्योंकि भाषा के प्रश्न स्तरीय थे, और दूसरा कि उसमें जो गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए वो ऑप्शन देने के बाद उनके लिए प्रश्न नहीं थे। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने ये अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया जो कि हमारे इस जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो है उसके नियम 7 की उपनियम 5 में, जिसका कि हम लोगों ने अपने नोटिस में उल्लेख कर भी दिया है, उसके तहत उस प्रावधान के तहत हम लोगों ने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अर्थांक में क्वेश्चन ने किया है, और यह लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है कि जिससे कि हिंदी और गैर हिंदी सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको एक समान अवसर मिल सके, और इसीलिए वो हम लोगों ने आर्तान को शून्य किया। ठीक सर, एक सवाल सर, 18 दिसंबर को जो परीक्षा यहाँ पे कमला नेहरू अंबेडकर विद्यालय हुई थी वो परीक्षा सर 8 या 9 दिसंबर को हुई थी, सीतामढ़ी क्यों में जो परीक्षा प्रश्न पत्र नहीं पहुँच पाए, जो सर अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को यहाँ परीक्षा दी है उनका कहना है कि जो 8 दिसंबर का जो सवाल आया था, जो 18 दिसंबर का जो सवाल आया है वो काफी हार्ड है और आउट ऑफ सिलेबस है, कितनी सर चाहिए? देखिए इसी तरह की बातें तैयारी वन में जब महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जब अलग अलग शिफ्ट में जब लिया गया तो ये बातें हुई कि भाई उनका अलग होगा, पुरुष कहते थे कि मेरा वाला ज्यादा भारी था, महिलाओं वाला कम भारी था, महिलाएं बोलती थी मेरा वाला ज्यादा भारी है, पुरुषों वाला कम। वही स्थिति अभी हो रही है। अब इसमें देखिए हम लोग कहेंगे कि हमें कोई भी दो लिस्ट को अगर मर्ज करना है जी तो हमें मर्ज करने के कई तरीके हैं, एक तो परसेंटाइल तरीका है जो कि बड़ी संख्या होने पर वो परसेंटाइल तरीका कारगर हो सकता है, दूसरा तरीका जो टीआरई वन में हम लोगों ने अलग अलग जेंडर वाइज अलग अलग क्यों किया, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि आरक्षण की जो व्यवस्था है
उस व्यवस्था में के हिसाब से महिलाओं का कट ऑफ प्रायः नीचे जाता है और उतनी संख्या में हमको महिलाओं को लेना ही लेना है, चाहे वो मेरिट में उनका कट ऑफ नीचे भी जा क्यों ना जाए, लेना ही लेना है। और जब उनका मेरिट जब नीचे जाता ही है तो फिर उसमें प्रश्न सरल हो चाहे कठिन हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उतनी महिलाओं को हमको लेना ही लेना है चाहे उनका मेरिट नीचे भी क्यों ना जाए। तो इसलिए उसमें भी हमको कोई नॉर्मलाइजेशन, कोई स्केलिंग, कोई परसेंटाइज सिस्टम करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बात जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि हम लोगों के यहाँ पेपर लीक और वायरल का मामला बीपीएससी में इतिहास क्यों हो गया, उसके पीछे कारण यही है कि हमारे पास क्वेश्चन जो बनते हैं वो एक साथ कई सेट्स बनते हैं और एक साथ जो सेट्स बनते हैं वो इस तरह से मिक्सिंग की जाती है कि सभी सेट्स जो हैं वो समान डिफिकल्टी लेवल के होते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हम लोगों ने परीक्षा जो इतना जो तुरंत कैसे री एग्ज़ाम तुरंत कैसे करा लिया, और हम तो इसके लिए भी तैयार थे कि अगर 15 तारीख की भी परीक्षा में अगर कोई प्रभावित होता किसी भी कारण से तो हम 18 तारीख को उसकी परीक्षा करा सकते थे। क्यों 2 दिन के अंदर में हम कैसे करा सकते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा तैयार थे। हमारे पास मोर देन वन सेट्स तैयार रहते हैं, जैसा मैंने बताया कि मल्टीपल सेट्स हम तैयार रखते हैं और हम मिक्सिंग करते हैं इस तरीके से करते हैं कि सभी सेट्स समान डिफिकल्टी के हों, क्योंकि हमारा मिक्सिंग उसी तरीके से होता है। इसलिए जो उसका जो कहना कि मेरा वाला ज़्यादा डिफिकल्ट है उसका वाला हल्का था वो हमारे बुनियादी स्ट्रक्चर को मतलब चैलेंज करने वाली बात होगी, जो कि आप लोगों ने देख लिया कि हमारा कोई भी अब एग्ज़ाम में पेपर लीक वायरल होने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि कौन वाला सेट आने वाला है। तो कई बार परीक्षा हॉल के पास से ही पेपर मतलब वायरल होने लगते हैं, तो उसको कैसे आप लोग, आप जनरल बात मत बोलिए, मैं कई चीज़ों को आपको कई चीज़ों को मैं नहीं भी बताऊंगा। वो मेरा सिर्फ इतना ही, मैंने शायद एक बार किसी ने पूछा था कि ऑफलाइन मोड में भी पेपर लीक हो जाता है, ऑनलाइन मोड में भी पेपर लीक हो जाता है, तो आखिर क्या किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए। किसी ने इसी सभा कक्ष में किसी ने पूछा था मुझसे पहले, और मैंने कहा था कि भरोसा तो आपको उस इंसान पर ही करना है, कोई भी सिस्टम अपने आप में गलत नहीं होता है, उसको हैंडल करने वाले इंसान के ऊपर आपको भरोसा करना, अगर वो सही है तो सब सही है, नहीं सही है तो नहीं, कुछ भी नहीं सही है। यानी कि आपके पहले वाले जो अध्यक्ष थे वो लोग कुछ गड़बड़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अध्यक्ष की बात क्यों करते हैं, जो भी टीम थी वो अध्यक्ष की बात नहीं करता हूँ। तालाब में एक मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर सकते हैं, नहीं वो कुछ भी नहीं है अध्यक्ष ही हो, नहीं सर कुछ भी नहीं है, वो भी जो आप जो जिसका अथी कर रहे हैं आपकी टीम में छेद नहीं, पहले टीम में छेद नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ कि छेद तो सिस्टम में कई थे, और कई छेद जो जैसे मैंने कई अफसरों पर, शायद आप पहली बार आप सुन रहे हैं, मैं बता देता हूँ, मैंने पहले भी ये स्पष्ट किया है कि पर्दे के सामने जो काम होता है वो सबको दिखता है और उसमें आप अच्छा बहुत कर सकते हैं, सब लोग संतुष्ट भी हो जाएंगे, लेकिन उससे बात नहीं बनती है, जो पर्दे के पीछे जो काम होते हैं अगर उसमें अगर हम सावधानी नहीं बरतें, उसमें पारदर्शिता नहीं बरतें, अगर हम ये कहें कि हम क्वेश्चन नहीं देंगे, हम ओएमआर शीट नहीं देंगे, आंसर की नहीं देंगे, तो हमने कई चीज़ों को पर्दे के पीछे ढकेल दिया, और अगर हम पर्दे के पीछे ढकेल देते हैं तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, तब तो कोई अध्यक्ष कोई भी रहे कोई भी कुछ रहे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। जब तक कि पब्लिक के सामने पर्दे के सामने जब तक हम उस चीज़ों को नहीं लाते हैं तब तक ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि पेपर लीक हो जाए या कुछ भी चीज़ लीक हो जाए, ये संभावना बनी रहती है। लीक पॉइंट्स कई थे और हम लोगों ने यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंटली हमने कैसे कहा था, पहले ही कहा था, इस परीक्षा के पहले भी मैंने कहा था कि पेपर लीक इतिहास हो गया, और उसके बाद भी हम लोगों ने कितनी परीक्षा ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है, क्योंकि मैं हमेशा जानता कहता हूँ कि हमें कदाचारियों से 2 कदम आगे रहने की ज़रूरत है,
हम अगर अपने सिस्टम में हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम किसी दिन गच्चा खा जाएंगे। लेकिन इतना तो है कि अगर मल्टीपल लीक पॉइंट्स रहेगा तो एक साइकोलॉजी में, अगर साइकोलॉजी के कोई स्टूडेंट अगर यहाँ हों पढ़े हों, तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। इसको सरल शब्दों में ये समझें कि जब कई लोग जिम्मेवार अगर होंगे तो कोई जिम्मेवार नहीं होता, क्योंकि सब एक दूसरे पर फेंका फेंकी करते हैं। अगर मल्टीपल लीक पॉइंट्स रहेंगे तो कहाँ से लीक किया गया इसकी जांच करते करते ही वर्षों बीत जाएगा और कोई जिम्मेवार नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला काम यह किया कि मल्टीपल लीक पॉइंट्स को खत्म करके देयर इज ओनली वन लीक पॉइंट लेफ्ट, और कोई लीक पॉइंट है ही नहीं। जब और कोई लीक पॉइंट बचा ही नहीं तो फिर हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अगर अब कुछ हुआ, हम लोग कई बार सोच करके सारे लीक पॉइंट्स को बंद करते हैं, जो चीज आपके पर्दे के सामने वाला चीज तो आप देख करके वाहवाही कर देंगे, कैमरा लग गया, ये लग गया, वो लग गया, वाहवाही कर देंगे, लेकिन उससे ज्यादा होमवर्क, ज्यादा मतलब दिमाग लगा करके जो काम करने वाली बातें हैं वो पर्दे के पीछे वाला काम है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है। और वो ट्रांसपेरेंसी जितना अधिक अधिक रहेगा उतना आपका सिस्टम फुल प्रूफ, लीक प्रूफ रहेगा। अगर जितना आप ट्रांसपेरेंसी कम रखेंगे उतना आप भी हमेशा शक के दायरे में रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने देखा, आपने इस बार भी देखा होगा कि हम लोगों ने OMR शीट भी देना शुरू कर दिया, और उसमें हम लोगों ने एक दो में प्रयास भी किया कि हम लोग उसमें स्कैन जो वैल्यूज होता है, जो रीडिंग जो होता है, जैसे स्कैन कर दिया तो मशीन है ना, आफ्टर ऑल मशीन ने उसको ए रीड किया कि बी रीड किया, अगर मान लीजिए मशीन ने गलत रीड किया और आप दिख रहा है कि हमने बी प्रतीक लगाया है और मशीन उसको ए रीड कर रहा है, तो हम तो रिजल्ट बनाएंगे मशीन के रीडिंग के हिसाब से, और आप कहेंगे बाद में कि मेरा तो बी था उसमें। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया कि जो मशीन जो रीड कर रहा है वो रीडिंग भी मशीन की, और स्कैन मशीन की जो रीडिंग भी है वो भी कैंडिडेट को दे दें, ताकि कैंडिडेट न केवल अपना OMR शीट देख ले बल्कि देख ले कि मशीन ने भी उसको सही से रीड किया है कि नहीं किया है। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम जितना चीज़ हम ट्रांसपेरेंट कर सकें, बता सकें, कैंडिडेट्स को जितना दिखा सकें उतना। मैं भी मानता हूँ कि कैंडिडेट को भी कॉन्फिडेंस आता है और मुझे भी कॉन्फिडेंस तब रहता है कि जो अब हमारा जो रिजल्ट है वो सबके सबसे फिल्टर होकर के सबकी नज़र से गुजरने के बाद ये तैयार हो रहा है। इसलिए हम लोग ये नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को आप दोष दे ही नहीं सकते अगर मल्टीपल लीक पॉइंट्स। इसलिए देखिए ये चीज समय, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो काम आज के तारीख पर परफेक्ट लग रहा है वो कल को वो गलत भी हो जा सकता है। मैं दूसरा उदाहरण दे सकता हूँ, यहाँ पर जब 2007-08 के आसपास में डबल कोडिंग का सिस्टम शुरू किया गया था, कॉपीज का डबल कोडिंग सिस्टम, पहला कोड नंबर सिस्टम, दूसरा कोड भी नंबर सिस्टम, ये 2007-08 के हिसाब से वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक था, अप्रोप्रिएट था। 2020-22 तक पहुंचते आपका मोबाइल का जमाना पूरा जबरदस्त आ चुका है, लोग स्मार्ट मोबाइल फोन्स आ गया है, लोग कितने तरह का चीज कर सकते हैं इसकी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम लोगों ने उसमें सुधार करके उसमें फर्स्ट कोड को QR कोड कर, ऐसे तो लोग नंबर सिस्टम है तो उसको पढ़ ही सकता है ना, तो जो नंबर सिस्टम का कोडिंग सिस्टम जो 2007-08 के लिए अप्रोप्रिएट था वो 2022-22 आते आते वो आउटडेटेड हो गया, क्योंकि तो उसका भी लोग काट निकालने लगे। तो मैं ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सिस्टम हो आज की तारीख में अगर वो सही है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आज से 4 साल बाद 3 साल बाद 4-5 साल बाद भी वो सही रह जाए, क्योंकि उसका भी तोड़ निकालेंगे। और TRE-1 की परीक्षा में जो हम लोगों ने हरकतें देखा, जो मुन्ना भाई लोगों ने जिस तरह से कुछ कुछ चीज़ों को डिफीट करने का कोशिश किया,
और उस चीज को डिटेक्ट करने में हम लोगों को एक दिन लग गया, हम लोगों ने उसको दूसरे दिन पकड़ा। उससे हम लोगों ने भी सबक लेकर के TRE-2 में यह व्यवस्था कर दिया कि हम लोग उसी दिन परीक्षा के दरमियान ही हम लोग पकड़ लें, क्योंकि सेकेंड डे तो है ही नहीं। उस बार तो दो दिन की परीक्षा थी सबके लिए, इस बार तो दो दिन की सबके लिए परीक्षा। लेसन लिया TRE-1 से, उसको इम्प्रूव किया। तो ये ऑलवेज, ये चूहे बिल्ली का खेल की तरह समझिए, ये ऑलवेज हमें आगे रहना होगा, नहीं तो हम फंस सकते हैं। तो हम लोग का ये प्रयास है, और मैं कभी कोई मतलब भविष्यवक्ता तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेरी जो मेरा जो अनुमान है, उस अनुमान के हिसाब से ही मैंने बताया था कि ये शायद इतिहास हो गया है हमारे लिए, और इसीलिए हम लोगों ने जो भी जितनी परीक्षाएं जो किया वो काफ़ी ही किया हम लोगों ने, और हम लोगों को कोई टेंशन नहीं था, और यहाँ पर हम लोगों ने सभी लोगों को, अन्य विभाग के लोगों को हम लोग आमंत्रित किया। बहुत बार लोग जो होता है ना कॉपी पेस्ट करने में, रोल नंबर भी, नाम और रोल नंबर भी लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये घोषित है, और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो आप शिक्षा विभाग से लें या मंदिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से लें, लेकिन हम लोगों ने जो अपनी व्यवस्था बना रखा है यहाँ पर, आप देखेंगे कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स, जो PT की एग्जाम्स जो है, वो हम लोग 30 सितंबर हम लोगों ने स्थाई कर लिया। हमने 67th का 30 सितंबर को लिया, 69th का 30 सितंबर को लिया, 68th का बीच में लेना इसलिए पड़ा क्योंकि सेशन को रेगुलराइज करने के लिए। हम लोगों ने 67th का हम लोगों ने दिसंबर जनवरी में मतलब लिया एग्ज़ाम मेन्स का, 69th भी हम लोग मेन्स का ले रहे हैं, इसका भी डेट अनाउंस हो चुका है। और हम लोग ने इसी तरीके से हम लोगों ने कहा कि शिक्षा विभाग के साथ हमारी बैठक होने के बाद निर्णय हो चुका है कि अगस्त महीने में, हर एक वर्ष अगस्त महीने में ये परीक्षा होगी। 24, 25, 26 जैसे हम लोगों ने इस बार जैसे लिया था TRE-1 में, वही चीज़ हम लोग उस तरीके से TRE-3 में होगा, और जैसे जैसे आएगा वैकेंसी उसके हिसाब से होगा, हर एक साल उसी तरीके से करने का प्लान है। धन्यवाद। रिकॉर्ड तोड़ दिए सर, आप वही उसी रिकॉर्ड पर, इतना बढ़िया मौका मिलेगा।